हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन जागरण। वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। इस वीडियो में हम तीसरा जो इसका टॉपिक है फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पूरा पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस। ये इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ सकें। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस से। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसकी सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। पहचान इसकी हिंदी में, इसकी पहचान क्या होती है? अगर किसी भी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है या फिर गा हूँ, गी हूँ, गी हूँ आता है तो आपका ये कहलाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, वो भोपाल से आएगी, इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे वो आपके सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल। पहले शैल और विल होता था, बट अब चूंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल हटा दिया है टेंस में, सर यहाँ पर फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल का यूज़ करते हैं। इसलिए आपका चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप हो, आपको विल का यूज़ करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको विल का यूज़ करना है। चलिए तो हम आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बता दें कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है और मेन वर्ब आपका हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है। सेंटेंस बनाते हैं, वो बाजार जाएगा, वो बाजार जाएगा। तो वो है तो ही आएगा, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब तो विल, ही विल जाएगा मीन्स जाना, तो गो, ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। आप खाना बनाएंगे, आप खाना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल खाना बनाना या पकाना एक ही बात है, तो यू विल कुक फूड आप खाना बनाएंगे, यू विल कुक फूड। हम और सेंटेंस ले लेते हैं, वो फुटबॉल खेलेगा, वो फुटबॉल खेलेगा। तो वो लड़का है तो ही के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो विल, ही विल खेलना मीन्स क्या हो जाएगा, प्ले, ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। समझ गए? तो इसी तरीके से आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो आप समझ गए होंगे तो क्या करना था, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बस, और जितनी भी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आता है तो आप इसमें इस तरह के सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि मेन वर्ब जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ। मीन सिंपल सी बात है, आपको जब भी नेगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर विल है तो ये हो जाएगा विल नॉट, और अगर हम विल नॉट को एक साथ लिखना चाहेंगे एब्रिविएशन फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका वॉन्ट। क्या हो जाएगा, वॉन्ट। जैसे मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मैं आई विल नॉट टेक टी, आई विल नॉट टेक टी, आई विल नॉट टेक टी। तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे तो यू
विल नॉट, यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट गो देयर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर विल नॉट की जगह वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो यू वॉन्ट गो देयर, यू वॉन्ट गो देयर। समझ गए? अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है आपका? क्वेश्चन बनाना। क्या बनाना? क्वेश्चन। तो आपको जब भी इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई थी पहले भी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे हम? जैसे सेंटेंस लेंगे, क्या तुम कॉलेज जाओगे? क्या तुम कॉलेज जाओगे? तो क्या हो जाएगा? विल, क्या आएगा पहले? विल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, तो विल यू, फिर जाना मीन्स गो, विल यू गो टू कॉलेज, विल यू गो टू कॉलेज, विल यू गो टू कॉलेज। और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा क्योंकि प्रश्न बना है। तो क्या वो पानी पिएगा? क्या वो क्या वो पानी पिएगा? तो क्या हो जाएगा? विल वो ही, विल ही ड्रिंक वाटर, विल ही ड्रिंक वाटर। क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा? क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा? तो क्या हो जाएगा? विल मैं, आई, बोलना मीन्स होता है स्पीक, विल आई स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल फॉर्मूले को फॉलो करा है और कुछ भी नहीं करा है। विल आई स्पीक इंग्लिश। समझ गए? तो इसी तरह से आपके नेगेटिव और आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अभी आपके एक और टाइप बचा है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें क्वेश्चन भी होता है और नहीं भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम गाना नहीं गाओगे? क्या तुम गाना नहीं गाओगे? तो देखो यहाँ पर क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो क्या तुम गाना नहीं गाओगे? तो क्या होगा? विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, विल यू, फिर नॉट, विल यू नॉट गाना मीन्स क्या हो जाएगा? सिंग आ सॉन्ग, विल यू नॉट सिंग आ सॉन्ग। अगर इसको ऐसे एब्रिविएशन फॉर्म में लिखता तो ये होता था वॉन्ट यू सिंग आ सॉन्ग, वॉन्ट यू सिंग आ सॉन्ग। समझ में आ गई बात? जैसे हम और एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या राधा, क्या राधा पानी नहीं भरेगी? क्या राधा पानी नहीं भरेगी? तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट, वॉन्ट राधा पानी भरना मीन्स फिल द वॉटर, वॉन्ट राधा फिल द वॉटर, या वॉन्ट राधा फिल वॉटर भी चल जाएगा, वॉन्ट राधा फिल वॉटर, या फिर विल राधा नॉट फिल दी वॉटर। तो इसी के साथ आपका सिंपल फ्यूचर टेंस के चारों टाइप के सेंटेंस हो गए हैं, सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे फ्यूचर टेंस की तरफ, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो उसमें रहा है, रही है, या रहा था, रही थी था। इसमें आपका होगा पहचान है इसकी, रहा होगा। क्या होगा? रहा होगा या फिर रही
होगी या रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वो खाना बना रहा होगा, वो सो रहा होगा, चाय बन रही होगी। इस तरीके के सेंटेंस आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, क्या होती है विल बी। और मेन वर्ब आपको पता है कि चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्ब होती है उसका फोर्थ फॉर्म। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोले, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। अब हम आते हैं सीधा सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, ट्रेन आ रही होगी, ट्रेन आ रही होगी, तो क्या हो जाएगा? ट्रेन, फिर इसके बाद विल वी, ट्रेन विल वी, आना मीस होता है अराइव, तो अराइविंग, ट्रेन विल बी अराइविंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। श्याम सो रहा होगा, श्याम सो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा ये? श्याम विल बी, सोना मीन्स होता है स्लीप, तो श्याम विल बी स्लीपिंग, श्याम विल बी स्लीपिंग। ये अगर आपके सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव मीन्स यहाँ पर नहीं हो रहा हो, तो आपको पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट देन आपका बी आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा वॉन्ट बी, विल नोट की जगह क्या हो जाएगा फिर? वो वॉन्ट बी। जैसे वो चाय नहीं बना रही होगी, नहीं बना रही होगी, वो चाय नहीं बना रही होगी, तो क्या हो जाएगा? वो, तो ही के बाद आएगा ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, बनाना मीन्स हो जाएगा मेक, तो ही विल नॉट बी मेकिंग टी, ही विल नॉट बी मेकिंग टी, या फिर ही वॉन्ट बी मेकिंग टी। बारिश नहीं हो रही होगी, बारिश नहीं हो रही होगी, तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट, देखो इट यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, इसलिए इट आएगा, तो इट विल नॉट बी रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट वॉन्ट बी रेनिंग, इट वॉन्ट बी रेनिंग। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए। जैसे हम सबसे पहले आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती, तो बिल प्लस सब्जेक्ट देन बी, बिल प्लस सब्जेक्ट देन बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम देख लेते हैं, क्या बारिश हो रही होगी, क्या बारिश हो रही होगी, तो क्या होगा इसका? क्या है? तो विल, फिर आएगा इट, विल इट बी रेनिंग, विल इट बी
रेनिंग, पहले विल फिर इट फिर बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग। क्या वो बाजार जा रही होगी, क्या वो बाजार जा रही होगी, तो क्या हो जाएगा विल शी, फिर आएगा बी, विल शी बी जाना मीस हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, विल शी बी गोइंग टू मार्केट। समझ में आ गई ये बात, मतलब सिंपल हमें फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आई प्लस एन लिख रहा हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। तो फॉर्मूला इसका ये होना है, विल प्लस सब्जेक्ट, देन आपका नोट, देन आपका बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो हम सेंटेंस बना लेते हैं, क्या ट्रेन नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, क्या ट्रेन नहीं आ रही होगी, तो क्या हो जाएगा विल इट नॉट, विल इट नॉट देन बी, विल इट नॉट बी, विल इट नॉट बी, विल ट्रेन नॉट बी अराइविंग, क्या वो नहीं सो रही होगी, क्या वो नहीं सो रही होगी, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, जैसे वॉन्ट ये वाला फॉर्मल वॉन्ट, फिर आपका आएगा शी वॉन्ट शी बी और स्लीपिंग, वॉन्ट शी बी स्लीपिंग। तो इसी तरीके से आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी फिनिश हो गया, और इसी के साथ ही आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश हो गया। तो हमने चार टाइप के सेंटेंस पढ़े, और चारों टाइप का सेंटेंस बस फ़र्क इतना है कि हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, और कोई दिक्कत नहीं, और सभी का फॉर्मूला एल्गोरिथम सेम है। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान हम देखेंगे, पहचान है इसकी चुका होगा या फिर चुकी होगी या फिर चुके होंगे, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। जैसे वो खाना खा चुका होगा, ट्रेन जा चुकी होगी, मूवी हो चुकी होगी या मूवी ख़त्म हो चुकी होगी, बारिश हो चुकी होगी, इस तरीके के सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल हैव, क्या होती है विल हैव। और मेन वर्ब आपको मैंने हमेशा बताया कि मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस सबसे पहले फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब कि विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस, जैसे वो खाना खा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा ही विल हैव, खाना खाना या तो टेक होता है या फिर आपका ईट होगा, तो यहाँ पर मैं ईट यूज़ कर रहा हूँ, तो ही विल हैव ईट एट ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म होता है, तो ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है। वो गाना गा चुकी होगी, वो गाना गा चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा शी विल हैव सिंग आ सॉन्ग, सी विल हैव सिंग आ सॉन्ग। समझ गए बात को, बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। अब हम आते हैं नेगेटिव पे,
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले फॉर्मूला, तो सब्जेक्ट प्लस विल, और विल के बाद ही नोट आता है, फिर आएगा आपका हैव। ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे बी वाले में था वैसे ही हैव वाले में, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो खाना नहीं बना चुका होगा, वो खाना नहीं बना चुका होगा, तो वो जाएगा ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव कुक का हो जाएगा कुक्ड, कुक्ड फूड, ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। राम बाजार नहीं जा चुका होगा, राम बाजार नहीं जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा राम विल नॉट हैव गो एंड गॉन, तो गॉन टू मार्केट, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो ये बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये चीज़ आपको आगे समझ में कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आएगा क्या वो पैसे दे चुका है, क्या वो पैसे दे चुका है, सॉरी सॉरी, क्या वो पैसे दे चुका होगा, क्या वो पैसे दे चुका होगा, तो क्या आ जाएगा विल ही हैव, विल ही हैव पैसे देना गिव गैप गिवन गिवन मनी, विल ही हैव गिवन मनी, क्या तुम खाना खा चुके होंगे, क्या तुम खाना खा चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा विल यू हैव ईटन फूड, विल यू हैव ईटन फूड। समझ गए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन क्या ये। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला समझें, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा आपका हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वॉन्ट देन सब्जेक्ट देन हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से, तो आपका हो जाएगा क्या बारिश नहीं हो चुकी होगी, क्या बारिश नहीं हो चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा विल इट नॉट, विल इट नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रेंट, विल इट नॉट हैव रेंट, क्या वो नहीं जा चुका होगा, तो क्या होगा इसका विल ही नॉट हैव गॉन, विल ही नॉट हैव गॉन, विल ही नॉट हैव गॉन। इसी के साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी फिनिश होता है। इसके चारों टाइप के सेंटेंस हमने ख़त्म कर लिए, और इसी के साथ आपका ये फ्यूचर टेंस का तीसरा टाइप भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
अब आप ध्यान से देख रहे हो, ये तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, बट यहाँ पर एक चीज क्या है, यहाँ पर टाइम दिया रहता है। जब रहा है, रही है, रही होगी भी होगा, और उसके साथ टाइम दिया रहे, जैसे वो 5 बजे तक भोपाल जा रहे होंगे, वो 10 बजे तक काम कंप्लीट करके आ रहे होंगे, वो 2 घंटे से मैच देख रहे होंगे, जब यहाँ पर रहे होंगे, रहा होगा भी होगा, और साथ में 2 घंटे 10 घंटे 2 दिन 10 दिन भी टाइम भी दिया रहे, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी पहचान तो यही है, इसके साथ टाइम दिया रहेगा, लिख लो आप चाहे, टाइम दिया रहेगा। इसमें 2 तरह का टाइम होता है, जैसे 2 दिन 4 दिन 3 घंटे 15 घंटे, ये आपका पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन। इसके लिए 4 का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, 4 का, और एक होता है पॉइंट ऑफ द टाइम, जैसे 8 बजे 10 बजे 3 बजे 2 बजे सुबह शाम को, इसमें सेंस का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सेंस का यूज करते हैं। यहाँ की जो मेन वर्ब होती है वो आपका होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती विल हैव बिन, क्या होती है, विल हैव बिन, विल हैव बिन। चलिए हम शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस, जैसे पहले फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, चूंकि हेल्पिंग वर्ब विल हैव बिन है इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका रहता है सिंस या फॉर, क्या आएगा, सिंस या फॉर, और देन आपका वो भी जो भी आप टाइम दिया हुआ है, सिंस या फॉर लगाना है पहले, उस टाइम के पहले जो, अगर आपका ड्यूरेशन वाला है तो 4 आएगा, पॉइंट ऑफ द टाइम है तो सिंस आएगा, क्योंकि हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। जैसे वो 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो 4 घंटे से ड्यूरेशन टाइम, तो यहाँ पर 4 आएगा, तो वो तो ही हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, पढ़ना मींस क्या होता है, स्टडिंग या रीडिंग, तो मैं यहाँ पे स्टडिंग लिखूंगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग 4, अब सेंस या 4 आएगा तो 4 आवर्स, He will have been studying for 4 hours. तुम 3 बजे से दौड़ रहे होंगे, तुम 3 बजे से दौड़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, You will have been. You will have been. दौड़ना मीन्स रन, तो हो जाएगा रनिंग, रनिंग में डबल लेना जाता है, यू विल हैव बीन रनिंग। अब चूंकि यहाँ पे 3 बजे लिखा था, यहाँ पे सेंस आएगा, 3 बजे ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो सेंस 3 o'clock, यू विल हैव बीन रनिंग सिंस 3 o'clock, क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, नेगेटिव सेंटेंस सिंपल सी चीज है, नेगेटिव हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो विल के बाद आता है नॉट, प्लस हैव बीन, फिर उसके बाद आएगा हैव बीन, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सिंस या फॉर, और फिर इसके बाद आपका टाइम, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, वैसे इतना समझने की जरूरत नहीं, वो पता है कि विल के बाद नॉट आएगा, बाकी का उसके बाद लिखते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं। दो घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी, तो क्या हो जाएगा, It will not have been raining। और यहां पर 2 घंटे लिखे थे, हमेशा क्या आएगा, घंटे के लिए 4 2 hours, it will not have been raining for 2 hours। वो 2 बजे से पढ़ा रहा होगा,
वो 2 बजे से पढ़ा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा कि, तो 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो he will not have been पढ़ाना मीन्स क्या होता है टीच, तो टीचिंग सिंस 2 o'clock, ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल सेम एल्गोरिथम है, सेम चीज है, बस यहाँ पर क्या है टाइम दिया हुआ है, जब रहा है रही है और उसके साथ टाइम दिया हो तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होगा, बाकी कोई भी टेंस पर टाइम दे रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसी में ही फर्क पड़ जाता है, जो कंटिन्यूअस होता है वो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस बन जाता है। क्लियर है? अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले फॉर्मूला आएगा, तो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ गए? जैसे क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे होंगे, क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल के बाद यू, विल यू हैव बीन दौड़ना मीन्स क्या हो जाएगा, रनिंग 2 घंटे से, तो फॉर टू आवर्स, क्योंकि 2 घंटे थे इसलिए। क्या मैं 3 बजे से भोपाल जा रहा होऊंगा, रहे होंगे भी चलता है, तो क्या हो जाएगा, विल आई हैव बीन जाना मीन्स क्या हो जाएगा, गो, तो विल आई हैव बीन बीन गोइंग टू भोपाल, क्या हो जाएगा, सिंस 3 o'clock, विल आई हैव बीन गोइंग टू भोपाल सिंस 3 o'clock। समझ गए? अब आता है भैया इंटरोगेटिव पर, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। चलिए तो सेंटेंस बनाते हैं, क्या वो 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा होगा, क्या वो 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या वो, तो हो जाएगा विल, वो है तो विल ही, तो क्या वो 2 दिन से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखें, क्या वो 2 दिन से इंग्लिश नहीं सीख रहा, तो विल ही नॉट हैव बीन, सीखना मीन्स लर्न, तो लर्निंग, विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश 2 दिन, तो 4 आ गया, यहाँ पे ड्यूरेशन है फॉर टू डेज। क्या आप 6 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे, क्या आप 6 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे, तो क्या होगा इसका, विल यू नॉट
हैव विन, विल यू नॉट हैव विन, खाना बनाना इज कुक, तो कुकिंग फूड, दो से तो सिंस आएगा चूंकि पीरियड पॉइंट ऑफ द टाइम है, सिंस टू ओ सिक्स ओ क्लॉक, ठीक है। इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया और इसी के साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस टेंस भी फिनिश हो गया और उसी के साथ आपका फ्यूचर टेंस भी फिनिश हो गया। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको टेंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पहले प्रेजेंट और पास्ट टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।